वाह मेरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे यार, अगर थोड़ी सी और हिम्मत तुम दिखा देते ना, तुम्हारी ये मोहब्बत का हाथी जो है ना, ये तुम समेत निकल जाता। अरे यार, खड़ा की करना था तो पूरा कर देते। ये तो बताओ कि ये आधा सच बोलने की भी हिम्मत आई कहां से तुम? वो रूना का फोन आया था। Really? वो मिलना चाहती है मुझसे। ओके, तो अभी हम रूना से मिलने जा रहे हैं? नहीं माजिद, नहीं। अब मैं रूना से तभी मिलूंगा जब उसकी मोहब्बत के काबिल हो जाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, तो फिर हम कहां जा रहे हैं? किसी भी ऐसी जगह जहां इत्मीनान से बैठकर यह सोचा जा सके कि आगे क्या करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाय अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कहां हो? अरे यार, तुम तो जानते हो, बस यूं समझो कि भागदौड़ में लगा हूँ। ज़ैना और सारा की शादी के सारे इंतजामात की जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। बताओ तुमने कैसे फोन किया? बस यही कि हम भी चीजें फाइनल कर रहे थे, हो सके तो चक्कर लगा लो। अरे यार, ऐसी कौन सी बात है बताओ। यार बस यही है कि बारात जो है कितने लोगों की होगी, ताकि मैं उसी हिसाब से इंतजाम कर सकूं। अरे यार, घर की बात है, तुम बेफिक्र रहो। मैंने तो सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही मतलब लिया है, अंदाजन ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होंगे। अच्छा। और शादी की बाकी सब तकरीबात हमारे घर होंगी, जब सारा बेटी हमारे पास होगी। देख लेना यार। अरे यार, कह जो रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था, और फुर्सत मिले तो आ जाइएगा। यार वादा नहीं करता, वक्त निकला तो जरूर आऊंगा। चलो हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मैंने अपनी मोहब्बत, सब ख्वाहिशात, सारे ख्वाबों को तेरे सपोर्ट कर दिया। मैंने अपनी माँ की इज्जत पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। दानियाल अच्छा इंसान है, वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे। अब जहां किस्मत ले जाए मैं चली जाऊंगी, सब कुछ तेरे कब्जाए कुदरत में है। मेरे अल्लाह, ये दिल जो तेरा घर है, गमों में घिरा हुआ है, इसे सुकून दे दे। आमीन।